स्टूडेंट्स वेलकम टू सी आर इंटर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट नंबर 13। टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 21। डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जिस क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट बनानी होगी। बिना बैलेंस शीट के आप कोई भी फर्म को डिसोल्यूशन का क्वेश्चंस कंप्लीटेशन मोड पर नहीं ला सकते। तो इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले थे जिसमें बैलेंस शीट गिवन थी, तो आपने 4 नेसेसरी अकाउंट बनाए थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था आपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया था, कैश और बैंक अकाउंट बनाया था। देखिए एक अब अकाउंट और बढ़ रहा है अर्थात बैलेंस शीट और बनानी पड़ रही है, क्योंकि बैलेंस शीट विदाउट ए बैलेंस शीट आप कोई भी फर्म को डिसोल्यूशन क्वेश्चन नहीं कर सकते। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, है द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एज एट दिस साइड इज द लाइबिलिटी साइड एंड अमाउंट इन रुपीज, दिस साइड इज द एसेट्स एंड इज द अमाउंट इन रुपीज। ओके, तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक लाइबिलिटीज होती है, एसेट्स होती है अमाउंट इन रुपीज में। अब देखिए इलेक्शन नंबर 21, देखिए क्या है सवाल। ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो है वो 3:1 है। तो आपको पता लगा ए बी आर द पार्टनर एंड रेशियो इज 3:1, तो यू कैन से 3/4 एंड 1/4। दे डिसाइड डिसॉल्व द फर्म ऑन द 31st March 2015, 31 मार्च 2015 को उन्होंने कहा कि अब फर्म को हम बंद करना चाहते हैं। तो वहाँ तक की बैलेंस शीट आपको मिलेगी, आगे बैलेंस शीट बनेगी नहीं। उनके पास क्या क्या था, कैपिटल 1,50,000 रुपये। तो कैपिटल थी ए की और बी की, ए की 1,00,000 रुपये और बी की 50,000 रुपये, तो टोटल होगी 1,50,000 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद क्या क्या था उनके पास, अमाउंट ओइंग बाई ए टू द फर्म वाज 42,000। ए ने फर्म से लोन ले रखा था, एज लोन कितना ले रखा था 42,000। एंड नेक्स्ट बी वाज और बाय द फर्म टू बी, बी ने दे रखा था लोन, बी इज लोन, बी ने लोन दे रखा था 15,000 रुपये। नेक्स्ट है इसके बाद एसेट्स अदर देन वाद ए टू द फर्म इधर रिलाइज 64,000 एंड एक्सपेंसेस। तो देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ इसमें एक दे रखा है अमाउंट कैश आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 5,000। चलो जी हमने इस साइड का जोड़ किया, एक दे रखा है क्रेडिटर 25,000। लो भी हमने इसका जोड़ कर दिया, ये जोड़ आ रहा है 1,90,000। 1,90,000 इधर है तो इधर भी क्या होगा, 1,90,000 होगा। तो डिफरेंस क्या आएगा डियर स्टूडेंट, सन्डरे एसेट्स 42,500 घटा देंगे तो हमारा सन्डरी एसेट्स आएगा 1,43,000, 1,43,000। तो डियर स्टूडेंट बैलेंस शीट आपकी मेंटेन होगी। और बैलेंस शीट बनने के बाद फिर क्या है, बैलेंस शीट के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा वो कौन सा होगा, तो देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहला अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन का। कैसे बनता है, है द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन बार बार कह रहा हूँ एक नॉमिनल अकाउंट है, साइड दिस इज द डेबिट एंड पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट आल्सो इन रुपीस। सबसे पहले रियलाइजेशन को एसेट्स ट्रांसफर करेंगे टू सन्डरी एसेट्स, या उनके अलग अलग नाम है तो वो लिख देंगे। हमारे पास सन्डरी एसेट्स आ रही है 1,43,000 बाई सन्डरी क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे पास 25,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी रियलाइजेशन में आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद पेमेंट क्रेडिटर की पेमेंट कर दें
और एसेट से रियलाइज कर लें। तो कैश कैश कितना आ रहा है आपके पास? बाई कैश अकाउंट एसेट्स हमारे पास आज 64,000 की, टू कैश अकाउंट 25,000, एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और हो रहे हैं। कितने की पेमेंट की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की? 1,000 रुपये की। इधर का जोड़ 00053861,68,000, तो ये भी 1,68,000 होगा। तो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो हमारा लॉस होगा, और लॉस हमारा कितना आ रहा है? वन फोर्टी थ्री ट्वेंटी फाइव बेटा 5×3×8=9 हो गए, क्योंकि यहाँ पर 5×4=9 आ रहे हैं, और डिफरेंस आ रहा है जो हमारा वो आ रहा है लॉस ट्रांसफर टू 80,000 ए और बी, और रेशियो क्या था? 3/4, 1/4, एक को 60,000 रुपये और एक को 20,000 रुपये। तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? रिपीट अगेन, एसेट्स थे 1,43,000 की, क्रेडिट 25,000 के। कहते एसेट्स बिकेगी, पैसा आएगा, इसके पैसे हमने देने हैं, उसके अतिरिक्त 1,000 खर्चा और हो रहा था, इसका जोड़ क्या 1,69,000 आया। तो फिर हमारा लॉस कितना होगा? 80,000 ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल इन द रेशियो 3:1, 3/4 and 1/4। अब हम बनाएंगे लोन अकाउंट। देखो लाइबिलिटी साइड में बी ने लोन दे रखा था, तो बी का लोन सिंप्लिसिटी लो भी बीज लोन, ओनली वन एंट्रीज। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितने का लोन दिया था? लोन दे रखा था 15,000 का, पेमेंट कर दो टू कैश, 15,000 की पेमेंट कर दी, जोड़ बराबर बराबर, ये था आपका। सो सिंपली, वेरी सिंपलिसिटी, ये था हमारा। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। Here is the capital account. How many partners are? Two. Particulars A and B, particulars A and B. Here is the A and B particulars, A and B and particulars. Debit side and credit side. By balance BD. जो भी capital उतार लीजिए। A की 1,00,000 रुपये थी, A की 50,000 थी। चलो जो कुछ मिलता है वो इधर दे दो, जो ले लो। अब देखिए आपके पास ए ने लोन ले रखा है फर्म से 42,000 रुपये, फर्म डिजोल हो रही है, तो अपना पैसा ले लें इससे, हम उसकी कैपिटल से वसूल कर लेंगे। पहले भी आया हुआ है ए से लोन, कितना पैसा दे रखा है? ए के लोन हम 42,000 रुपये काट लेंगे, टू एज लोन 42,000 रुपये हमने वसूल किया। देख सोचो 1,00,000 किसके हैं, 42 हम काट लेंगे, बाकी पेमेंट कर देंगे। लॉस कितना था रियलाइजेशन का? 60,000 और 20,000, टू रियलाइजेशन 60,000 और 42,000, 80 था ना। अब देखो ये कैंडिडेट 1,02,000 होगा इधर का, उधर तो 1,00,000 ही था, लेके आएगा बाई कैश अकाउंट, कितना रुपये लेके आएगा? 2,000 रुपये। ये कैंडिडेट कितना है? 20,000, ये कितना है? 50,000, वो ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है 50,000, 50 में 20 घटा देंगे, टू कैश अकाउंट कितने की पेमेंट हो जाएगी? 30,000 की हो जाएगी, इज 50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो एक को 30,000 देने पड़ेंगे, एक से 2,000 मंगवाने पड़ेंगे। अब कैश अकाउंट की बार बार एक ही में चर्चा करता हूँ, कैश वेरी सिंपलिसिटी। कैश तो ये कहता है जहाँ जहाँ मैं लिखा हुआ हूँ उसका विपरीत साइड में लिख देना मुझे, और मेरा अकाउंट बन जाए ईजियर। कैश अकाउंट सबसे पहले बैलेंस इफ, बैलेंस शीट में टू बैलेंस बीडी, तो कैश का बैलेंस कितना था उनके पास? 5,000 रुपये था। पैसा कहाँ कहाँ सा है सुनना आप ध्यान से, टू रियलाइजेशन एसेट्स बेची 64,000 रुपये, ए लेके आया 2,000 रुपये, आपने किसके दिए? बाय रियलाइजेशन
क्रेडिटर के दिए 25,000, बाई बीज लोन कितना दिया 15,000, एक्सपेंसेस के कितने दिए 1,000, और उसके बाद बीकी कैपिटल के कितने दिए 30,000, 71,000। डियर स्टूडेंट, इधर भी 71,000 दिया है। व्हेन टोटल इक्वल, योर क्वेश्चन इज राइट। 71,000 जोड़ आया, आपका सवाल बिल्कुल सही है। चलो एक इलस्ट्रेशन और लेकर चलते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 22 इलस्ट्रेशन देखिए। तो डियर स्टूडेंट, 22 में क्या दे रखा है, 1 अप्रैल को एक्स वाई जेड पार्टनर हैं और उनकी जो कैपिटल है स्टूड है, रेशियो उनका 3:1। तो देखो एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। उन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूटेड 1,00,000 रुपये लगाए, 79,000 और 40,000 रुपये लगाए थे, कैपिटल वाइज डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में जमा करवा दी थी, और उसके बाद प्रत्येक पार्टनर ने 15,000 रुपये विड्रॉन कर लिए। तो देखो 1,00,000 लगा लिया, 15,000 निकाल दिया, तो उसका मतलब 1,00,000 वाले का 85 बच गया, 50 वाले के 35 बच गए, 80 वाले के 65 बच गए, 40 वाले के 25 बच गए, 15 वालों के 0 बच गए। तो ओके, तो जितना था उसमें से विड्रॉन कर लिया, विड्रॉन होता है ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस कर दी जाती है। ओके चलो जी, उनके पास पैसा लगाया विड्रॉन, उसके बाद एक्स ने कुछ स्टॉक लिया है उसकी वैल्यू दे रखी है, वाई ने लिया उसकी वैल्यू दे रखी है। देखो हमने कहा है कि जब बिकता है तो हम बाई बैंक लिखते हैं, और कोई पार्टनर लेता है तो उस पार्टनर का नाम लिखते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हियर द बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटी साइड, अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स एंड अमाउंट आल्सो इन रुपीज। अभी देखो क्या क्या है। एक्स की कैपिटल ओपनिंग 1,00,000 रुपये थे, विड्रॉन कितना कर लिया ड्रॉइंग्स 15,000, तो कितना रहेगा 85,000 रुपये। वाई की कैपिटल कितनी थी, वाई की थी 80,000, इसने भी विड्रॉन कितना कर लिया ड्रॉइंग्स 15,000, इसकी रहेगी 65,000। जेड की कैपिटल क्या थी, उसकी थी 40,000, इसने कितना विड्रॉन किया 15,000, तो इसकी होगी 25,000। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा था, हमने इसका जोड़ किया, ये आ रहा है 5,15,1,75,000। 1,75,000 इधर है तो बाई सन्ड्री एसेट्स, सॉरी बाई नहीं लगता है, सन्ड्री एसेट्स 1,75,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 1,75,000, क्योंकि बैलेंस शीट का जोड़ बराबर बराबर होता है, तो बैलेंस शीट बन गई। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है आपका, रियलाइजेशन का बनता है। तो चलो भाई, रियलाइजेशन को कैसे बनाएंगे देखिए स्टूडेंट्स, हे द रियलाइजेशन अकाउंट। द मेन नेसेसरी अकाउंट है हमारा इस लेसन में रियलाइजेशन। ये अकाउंट जैसे बनेगा फर्म डिजॉल्व हो जाएगी, आगे फर्म नहीं चलेगी। क्या क्या आया देखो भी रियलाइजेशन में। सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स, और कितनी एसेट्स थी 1,75,000। बाई, अगर कोई लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटी तो कोई थी नहीं। उसके बाद क्या था देखो, अब सुनो, एक्स ने स्टॉक ले लिया 25,000 में, तो लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल कितने में लिया 25,000 में, नगद मिलता तो भाई बैंक या कैश लिख देते। वाई ने लिया फर्नीचर 5,000 में, बाई वाईज कैपिटल, इसने 5,000 में लिया। जेड ने क्या लिया, जेड ने टेकन किया है डेटर 18,500 में। कहता है ये देने के बाद 14,000 रुपये बच गए, तो लिखेंगे बैंक। 14,000 कहाँ से है, सुनना ध्यान से, इनके पास ये एसेट्स थे,
कुछ एसेट तो पार्टनर ने ले ली और बाकी नगद बेच दी। ओके, लायबिलिटी कोई थी नहीं तो पेमेंट तो होगी नहीं, तो बाकी बचा अगर ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। जब ये जोड़ ज़्यादा हो गया 175,000, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड 3/6, 2/6 एंड 1/6, 1,12,500 का लॉस हो गया। थ्री बाई सिक्स, टू बाई सिक्स, वन बाई सिक्स, एक के हिस्से में 56,250, 37,500 और 18,750। 56,250, 37,500, 18,750, ये था आपका रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के बाद क्या बनता है? कैपिटल और बैंक लोन अकाउंट का बनता है, जब किसी पार्टनर ने लोन दे रखा हो। आइदर नोट मेंटेन हियर कैपिटल अकाउंट, हे इज द कैपिटल अकाउंट, देखिए प्लीज। पार्टनर्स आर हियर 3, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड पर्टिकुलर बाई बैलेंस बी डी, बैलेंस शीट से लाए, एक की 85,000 थी, एक की 65,000 थी और एक की 25,000 थी। उसके बाद देखिए पार्टनर अगर उधर लिखे हैं तो इधर आएगा, तो इधर टू रियलाइजेशन। एक्स ने क्या टेकन किया था? एक्स ने स्टॉक लिया था 25,5, 18,500, 25,000 का एक्स ने लिया था, 5,000 का वाई ने लिया था और जेड ने लिया था 18,500 का। रियलाइजेशन का लॉस था कितना था? 56,250, 37,500, ओके, अरे समझ रहे हो, 37,500 और 18,750। अब मैचिंग करो, इसका मैचिंग क्या या 0,5,2,6,5,81,250, ये 85, ये साइड ज़्यादा होगी तो भाई इसको हटा दो, 85 यहाँ लिख लो, टू बैंक, बाकी पेमेंट हो जाएगी डिफरेंस की। तो पहले कैंडिडेट की पेमेंट होगी 3,750 रुपये की। अब दूसरे पे चलते हैं, 65,000 इसके पास है, इसका है 42,500, इसकी पेमेंट कर दो, 65,000 में 42,500 लेस कर देंगे, इस कैंडिडेट की पेमेंट हुई 22,500 रुपये की। अब इसके पास चले 18, 18, 36, 37,250, ये तो 25,000 रह गया भाई, इधर साइड लिख देंगे और ये पैसा लेकर आएगा बाई बैंक 12,250। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, 37,250 एंड ही इज द 65,000। अब हम लास्ट अकाउंट कौन सा बनाते हैं, वो हमारा है बैंक अकाउंट, वेरी सिंपलिसिटी बैंक। बैंक में मैंने क्या बोला है, जो आता है वो डेबिट में, जो जाता है वो क्रेडिट में। सबसे पहले इनके पास बैंक में कितना है, रियलाइजेशन से नेट एसेट रियलाइज हुई थी रियलाइजेशन में 14,000। कौन लेके आ रहा है? जेड लेके आ रहा है। कितने लेके आया? अभी आपने लिखा है 12,250। लेके कौन जा रहा है? एक्स और वाई लेके जा रहे हैं। एक्स को कितना दिया आपने? 3,750। उसको कितना दिया? 22,500 दिया। चलो जोड़ करके देखो क्या यही है क्या, 26,250, 0,5,26,250। राइट योर क्वेश्चंस, एब्सोल्युटली राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो इलस्ट्रेशन आपके हुए 21 एंड 22। अब चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ प्लीज। होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? योर होमवर्क इज 1 to 21 इलस्ट्रेशन इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड द एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 22 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। तो बोथ द इलस्ट्रेशन एंड मे बी दैट एंड द फेयर एंड द प्रैक्टिस नोटबुक, इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ओ प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416588669। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।